चलिए, जिस सफल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। भारत ने नागपुर टेस्ट अपने नाम कर लिया है और फाइनली आपको बता दे, पारी से कंगारू को शिकस्त दे दी टीम इंडिया ने। भारत ने शानदार तरीके से नागपुर टेस्ट अपने नाम कर लिया है और शानदार बल्लेबाजी का मुजहरा पेश किया है टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, और गेंदबाजों ने तो बहुत ही कमाल किया। दोनों ही इनिंग्स में कंगारुओं को धूल चटा दी और इस वक्त 132 रन पारी से जीत गई है टीम इंडिया। शानदार खेल दिखाया है टीम इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज में और शुरुआत पहले ही मैच में जीत के साथ। राहुल रावत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, आपको भी बधाई, टीम इंडिया को बधाई और देश के दर्शकों को बधाई, खेल प्रेमियों को, क्योंकि शानदार शुरुआत की है टेस्ट सीरीज की आगाज के साथ, जीत के साथ। जी बिल्कुल आशुतोष, बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड ये सीरीज थी और जिस हिसाब से भारत ने ये मुकाबला जीता है, आप देखिए डे वन से, पहले ओवर से भारत ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ा हुआ था। पहले ओवर में ही भारत ने जब उनके ओपनर को उस्मान ख्वाजा को उतारा था, को निकाला था, उसके बाद आज ये आखिरी जो विकेट मोहम्मद शमी ने लिया है, पूरे के पूरे ये ढाई तीन दिन जितने भी ऑस्ट्रेलिया रुक पाया इस विकेट पे, वो सारे के सारे भारत ने डोमिनेट किए, बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस की। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ये मैच ड्रेसिंग रूम में ही हार कर आया था पहले दिन से ही, उस विकेट को देखा उन्होंने। उसके बाद जिस हिसाब से भारतीय गेंदबाजों ने 177 रन पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, उसके बाद जब भारत बैटिंग करने आया तो उन्होंने दिखाया कि इस विकेट पे बैटिंग करी जा सकती है और अच्छी बैटिंग करी जा सकती है। रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया बतौर टेस्ट कप्तान, उनका पहला शतक। उसके बाद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की उन पारियों ने ऑस्ट्रेलिया से ये मैच पूरा का पूरा दूर कर दिया और भारतीय बल्ले 400 रन का एक बड़ा स्कोर लगा दिया, 223 रन की लीड ले ली। पर ऑस्ट्रेलिया एक सेशन, अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया एक सेशन भी नहीं टिक पाया। यानी जैसे आपने खुद बताया अभी 91 रन पे पूरी की पूरी टीम सिमट गई, भारत ने 1-0 से लीड ले ली है। और आप ये भी देखिए, ये दोनों टीमें आने वाले वक्त में जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ स्टिव इसमें थी, संघर्ष करते नजर आए, मात्र 25 रन बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन बाकी तो तुचल में आया की तर्ज पर पवेलियन को लौटते गए। कोई भी खिलाड़ी संघर्ष करता नजर नहीं आया, रिजल्ट ये कि 100 के भीतर ही बुक हो गए। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी आपके स्पिनर्स की। उनके पास भी दो स्पिनर्स थे, टॉड मर्फी और नेथन लायन, और यहाँ पे अक्षर जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, तीनों ये जितने भी आप गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में फर्क है, उनकी क्वालिटी और स्किल में फर्क है जो आज आपको देखने को मिला। इसी विकेट पे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने भी बॉल डाला और इसी विकेट पे जडेजा और अश्विन ने भी विकेट बॉल डाला है। कैसे वो बिखरते गए, एक के बाद एक बिखरते गए प्रेशर। 223 रन का जब आपको पता होता है कि आप एक ऐसी विकेट पे जो अब खराब ही होगी, और नागपुर में हम हैं, यहाँ पर देखिए गर्मी है, धूप तेज निकलती है, तो विकेट भी आपका जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है टूटता है, ड्राई होता जाता है और टूटता, वैसे वैसे आपको स्पिनर्स को खेलने में थोड़ी दिक्कतें आती है। और भारत ने जिस हिसाब से उनके स्पिनर्स ने डाला, सबसे आप जैसे ही बॉल ऊपर लटकाते हैं, बॉल को ग्रिप करने का मौका देते हैं, और आप देखिए जो बॉल टर्न हो रही थी और ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स के आगे उन्होंने घुटने ही टेक दिए। ये बड़ी जीत है क्योंकि इस थोड़ी देर के बाद कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो रविंद्र जडेजा पर निशाना साध रहे थे, फिर से कहीं एक्सक्यूज लेकर ना आए कि पिच को वो जिम्मेदार ना ठहरा दे। बिल्कुल, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने या फिर ऑस्ट्रेलिया के उस कैंप ने शुरू से एक माहौल बना के, देखिए मैच से ठीक एक दिन पहले उन्होंने कहा कि पिच ऐसा है, ये तो डॉक्टर्ड पिच है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जब ये बात कही। उसके बाद अगले दिन जब मैच शुरू होता है पहले ओवर में, वो DRS को हॉकाई को सवाल उठाते हैं, और शाम होते होते रविंद्र जडेजा की कहीं ना कहीं वो इंटेग्रिटी पे भी सवाल उठा देते हैं कि कैसे उन्होंने वो जो ऑइंटमेंट लगाया था वो चुपके से कहीं वो बॉल को टैम्पर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। हालांकि उसमें कोई किसी भी मामले में तीनों उनकी जो बातें थी वो तीनों की तीनों आज जो है इस जीत के साथ, भारत की इस बड़ी जीत के साथ सारी की सारी रविंद्र जडेजा को कितना क्रेडिट देंगे। एक लंबे अरसे के बाद वो ग्राउंड पर वापसी करते हैं, एक सर्जरी के बाद, एक ब्रेक के बाद, और पहला टेस्ट मैच खेलते हैं, शानदार बल्ले से मुजहरा पेश करते हैं, पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हैं, 5 सफलता उनके नाम, दूसरी बार 2 विकेट झटकते हैं, कुल मिलाकर थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच वही होंगे। बिल्कुल आशुतोष, आपने सही, अगर देखिए रोहित शर्मा की भी पारी है, अगर उन्होंने जिस हिसाब से शुरुआत दी,
बट रविंद्र जडेजा, एक जब आप ऑपोजिशन को 177 पे ऑल आउट कर देते हैं एक ऐसे टेस्ट मैच में, एक ऐसी टेस्ट विकेट पे जहां पे टॉस और पहले बैटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसका मतलब आपने आधा काम कर दिया। उसके बाद जब वो बल्लेबाज, देखिए भारतीय टीम एक वक्त पे 168 रन पे 5 विकेट भारतीय टीम ने खो दिए थे, और उसके बाद छठा विकेट गिरता है 168 पे 5 विकेट, यानी आप अभी भी उनसे 9 रन की 9 रन पीछे थे पहली इनिंग्स में। उसके बाद 228 पे जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा, कोलैप्स ऐसे ही होते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक विकेट जो है वो दूसरी विकेट को देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और वैसे ही कोलैप्स हो जाता है। पर वहां पे रविंद्र जडेजा ने पहले ऊपर, उसके बाद नीचे जो रन बनाए ऊपर के बल्लेबाजों के साथ, और उसके बाद अक्षर पटेल के साथ जो रन बनाए उन्होंने, उस पार्टनरशिप ने, उस पारी ने मैच जो है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा क्या ऑस्ट्रेलिया से करीब करीब बिल्कुल पूरा दूर खींच लिया था। उसके बाद बस यही रह गया था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को कितना लंबा खींच सकता है। शायद से रिजल्ट कभी डाउट में नहीं था उस पारी के बाद, बस ये था कि ऑस्ट्रेलिया क्या चौथे दिन जा सकता है, ले जा सकता है इस मैच को, क्या पांचवें दिन ले जा सकता है। पर हुआ क्या, वो चौथा दिन छोड़िए, पांचवा दिन छोड़िए, वो एक सेशन नहीं लास्ट करे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लंच पे उनकी पारी शुरू हुई थी, और टी खत्म होने से पहले, उनकी टीम से थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर लगा लीजिए, वो पूरे की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 91 रन पे, ये ऑस्ट्रेलियाई टीम। अब अगला मैच वो इंपॉर्टेंट होगा, टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से ही उतरेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कंगारुओं पर। बिल्कुल, और आसान नहीं होगा, क्योंकि आप ये मैच दिल्ली में खेलेंगे, और दिल्ली की विकेट तो ट्रेडिशनली ऐसी रही है कि वो स्लो टर्नर है, वहां पे बॉल जो है धीमा आता है, और कभी कभार बॉल लो भी रहता है वहां पे अक्सर, और वहां पे अगर यहाँ पे नागपुर में आपको ऐसी विकेट मिली, और ये देखिए अक्सर हमने देखा है कि भारत में विकेट्स जो है बड़ी क्रिटिसाइज करी जाती हैं कि भाई रैंक टर्नर्स हैं, ये रैंक टर्नर नहीं था, ये कोई डस्ट बॉल नहीं था, ये कोई माइनफील्ड नहीं था, ये कोई गड्ढा विकेट नहीं था, ये एक ठीक ठाक स्पिन फ्रेंडली विकेट था, आप कह सकते हैं, जहां पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती, पर ये विकेट खराब नहीं था। दिल्ली में भी आपको कुछ ऐसा ही विकेट, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेंटली हारा है, और दूसरा भारतीय गेंदबाजों ने जिस हिसाब से गेंदबाजी करी है उससे हारा है, जिस हिसाब से उन्होंने 400 रन इस विकेट पे भारत ने लगाए, उस वजह से ऑस्ट्रेलिया हारा है। दिल्ली में जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैसे भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब काफी वक्त हो गया है, ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है। आप देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया पिछले दो दौरे करे, इंडिया ने दोनों बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस बार सोचा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा मजबूत होकर आएगा, एंटिसिपेशन ये था कि ये अच्छी सीरीज होगी, पर तीन दिन ढाई दिन के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो सकता है कुछ चेंजेस मिले अगले मैच में, दिल्ली में जो मैच होगा राहुल, कुछ चेंजेस देखने को बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ आप ये बोल सकते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क उनके अवेलेबल नहीं थे, फिट नहीं थे, उसके बाद हेजलवुड भी आते आते वो भी इंजर्ड हो गए, तो उससे थोड़ा नुकसान हुआ, बट यहाँ पे तो गेंदबाजी की वजह से नहीं हारे ना, 177 रन पे पहले वो आउट हो गए, उसके बाद स्पिन फ्रेंडली विकेट में अगर उन्होंने पेसर्स को मिस करा है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा इंपैक्ट करा होगा। अगले मैच के लिए चेतेश्वर पुजारा और केएल राहुल, उन पर लेकिन निगाहें होंगी भारतीय मैनेजमेंट की, क्योंकि बल्ला उनका भी चलना चाहिए। देखिए चेतेश्वर पुजारा को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, फिलहाल छोड़ना मतलब उनपे ऐसी कोई गाज नहीं है, क्योंकि जो पिछला दौरा था बांग्लादेश में, चेतेश्वर पुजारा वहां पे सबसे आपके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, उस लो स्कोरिंग सीरीज में उन्होंने 100 भी लगाया था, 90 भी लगाया था। केएल राहुल पे डेफिनेटली तलवार लटक रही है, क्योंकि देखिए उनको खिलाने के लिए आपको एक इनफॉर्म शुभमन गिल को बाहर बैठाना पड़ा है। शुभमन गिल जो टेस्ट में ओपनिंग कर रहे थे, अच्छी ओपनिंग कर रहे थे, बांग्लादेश में भी उनके रन थे और विदेशों में भी उन्होंने रन बनाए हैं, एक रेगुलर आपके ओपनर बनते जा रहे थे, पर केएल राहुल की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, बिल्कुल अक्रॉस फॉर्मेट्स अगर आप, हालांकि बहुत लोगों ने सवाल भी उठाया था निश्चित तौर पर। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को दर्शकों तक रखने के लिए, और टीम इंडिया को बधाई।